हाथरस से खबर, 1 नवंबर थाना चांदपा क्षेत्र के केवल गाड़ी और चांदपा के बीच आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल यहां पर सवारियों से भरी कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। हादसा आज दोपहर चांदपा का क्षेत्र का है। घटना के समय आगरा के कमला नगर में रहने वाले अनुज अग्रवाल ने अपने परिवार के साथ बुलंदशहर के बेलोन से वापस लौट रहे थे, तभी कार नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में 2 महिला और 2 मासूम की मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज बागला अस्पताल में हो रहा है। कार में 2 परिवारों के 8 सदस्य सवार थे। हादसे में दोनों परिवार से 1-1 महिला और 1 परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना से दोनों परिवार में मातम छा गया। आज दिनांक 1 नवंबर को थाना क्षेत्र चंदपा अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम केवलगढ़ी और चंदपा के मध्य एक टाटा टिगोर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। 2 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को इलाज हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया है और 2 लोगों का इलाज बागला चिकित्सालय हाथरस में हो रहा है। घायलों और मृतकों के संबंध में पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।